वेलकम टू सी ओ जी कॉल ऑफ गेंस। तो पिछली कुछ वीडियोस में फिर से एक बार काफ़ी ज़्यादा एक नाम देखने को मिला, वो है सचिन गोयल। और आपकी रिक्वेस्ट पर सचिन गोयल की वीडियो इस बार आ चुकी है कॉल ऑफ गेंस पर। और कुछ लोगों के नाम भी हम बता देते हैं जो इनके ऊपर वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे। इनमें से कुछ नाम है अपने दुबई से आए हुए आर डी एक्स भाई, आर डी एक्स लेजेंड, सिग्मा एडिट, ए डी आई गेमर, वाहिद, अंतरा घोष और सिद्धार्थ सिंह। तो आज की वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट पर हम लेकर आ चुके हैं बाइसेप किंग के नाम से फेमस सचिन गोयल, जो कि इंडिया के काफी ज्यादा पॉपुलर आर्म रेसलर हैं। तो सचिन गोयल का बर्थ प्लेस है एमपी और इनकी हाइट है 5 फुट 11 इंच और इनका वेट अभी 80 केजी की कैटेगरी में खेलते हैं आर्म रेसलिंग के अंदर। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान के हो सकता है शॉक लगे कि ये बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके हैं और 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी बिल्डिंग को जीत भी चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि हर बड़े आर्म रेसलर या कोई भी ऐसा स्पोर्ट में कोई अगर ग्रो करता है तो उसकी शुरुआत होती है जिम जाने से ही। तो सचिन गोयल की कहानी भी कुछ ऐसे ही थी। इन्होंने जिम स्टार्ट किया था अपनी फिजिक को डेवलप करने के लिए और वहां सचिन गोयल के साथ हो गया धोनी वाली कहानी। अच्छा गोलकीपिंग करता तू, क्रिकेट खेलेगा? तो ये भी बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन जीतने के बाद अचानक से स्विच कर जाते हैं आर्म रेसलिंग में, जहां इनके ट्रेनर इनको मिल जाते हैं जिनका ये नाम आज भी लेते हैं मनीष। और सचिन गोयल का ये कहना है कि इनके कोच मनीष ने इनकी पोटेंशियल को पहचान लिया था और उसके बाद इनको सजेस्ट किया था कि ये आर्म रेसलिंग करें। और अगर आर्म रेसलिंग के सिर्फ जेनेटिक्स की बात करें तो शायद इनसे ज्यादा इंसेन जेनेटिक्स शायद ही किसी का इंडिया में ऐसा हो। अपने 15 साल के आभास राणा के अलावा अगर आप इनकी रिस्ट और आर्म्स का साइज देख लेंगे तो ये काफी ज्यादा अलग लेवल पर है। और इन्होंने अपना निकनेम बिल्कुल सही रखा है, सचिन बाइसेप किंग। तो इनके अगर बाइसेप को सिर्फ देखा जाए तो इनको देसी टेनिस बोलना गलत नहीं होगा। और कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद आर्म रेसलिंग की, ये अपना पहला स्टेट लेवल खेलते हैं जिसमें ये हार जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस अपनी जारी रखते हैं और उसके बाद फिर से स्टेट लेवल खेलते हैं जिसमें जीत जाते हैं, लेकिन इस बार ये नेशनल्स में हार जाते हैं। लेकिन वहां हारने के बाद ये गिव अप नहीं करते हैं और अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा इंटेंस बना लेते हैं। इसके बाद इनको नेशनल लेवल पर एक ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है और यहीं से स्टार्ट हो जाती है सचिन गोयल की अचीवमेंट्स। और सचिन गोयल ये बोलते हैं इसके बाद ये कभी हारे ही नहीं, जिस भी कॉम्पिटिशन में गए हमेशा ये जीत के ही आए। जैसे ही इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था नेशनल में, उसके बाद ये सीनियर कैटेगरी में जाते हैं और वहाँ भी ये जीत जाते हैं। और इनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स इतने ज़्यादा हैं इनके स्टेट के अंदर, आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी अगर हम इनके अचीवमेंट्स गिनाएं तो। खासकर एमपी में इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले, जैसे कि चैंपियन ऑफ चैंपियंस, मिस्टर एमपी, यहाँ तक कि विक्रम अवार्ड भी इन्हें मिला है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ तक कि इन्हें टाइगर ऑफ एमपी अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की। तो ये रशिया गए थे चैंपियनशिप खेलने इंडिया की तरफ से और ये बेस्ट ऑफ 3 में कम्पीट किए थे जिसमें ये 3 से 3 जीत जाते हैं। इसके बाद शायद इनकी लाइफ का सबसे ज्यादा पीक मोमेंट आया जब ये ईरान के एक काफी ज्यादा फेमस एथलीट के साथ आर्म रेसलिंग में कम्पीट करते हैं। और ये वायरल वीडियो तो सभी ने देखी होगी जिसमें सामने में एक ईरान के काफी डोमिनेंट आर्म रेसलर देखने को मिल जाते हैं। उनके साथ जो इनका मैच हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था, खासकर इसमें पैट्रियटिज्म की भी काफ़ी ज़्यादा भावना लोगों को देखने को मिल गई थी, क्योंकि इंडिया से जाकर ईरान में रिप्रेजेंट करना और इतने ज़्यादा डोमिनेंट अपोनेंट के साथ कम्पीट करना, और खासकर इनके अपोनेंट का जिस तरह का रिएक्शन था मैच के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था लोगों को देखने के लिए। और वो मैच जीतने के बाद इनकी पॉपुलैरिटी कुछ अलग लेवल पर ही पहुंच जाती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं ये इंडियन आर्म रेसलिंग सर्कल में। फिर उसके बाद ही प्रो पंजा लीग आ जाता है जिसमें ये कम्पीट करते हैं 80 केजी की कैटेगरी में और जिसमें ये जीत जाते हैं। और सचिन गोयल प्रो पंजा लीग की तारीफ करते थकते नहीं है, वो कहते हैं कि सिर्फ प्रो पंजा लीग ही ऐसा था जिन्होंने इनको नाम दिया है, अगर प्रो पंजा नहीं होता तो इन लोगों का नाम कभी होता ही नहीं कि इनकी अचीवमेंट्स क्या थी और ये किस लेवल के हार्ड वर्कर हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होते हैं प्रो पंजा की और होना भी चाहिए क्योंकि प्रो पंजा लीग की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा आर्म रेसलिंग को बूस्ट मिला और इंडिया को एक नया स्पोर्ट मिल गया जिसमें ये देख सकते हैं क्रिकेट के अलावा। हालांकि ये प्रो पंजा में कुछ मैचेस हारे भी है, जैसे कि इनका एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मैच हुआ था करज वीर के अगेंस्ट जिसमें ये हार गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप इनकी करज के साथ जो मैच हुआ था उसको अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करज किस लेवल के थे, क्योंकि सचिन भी ये कहते हैं हमेशा कि करज के साथ कॉम्पिटिशन करना काफ़ी ज़्यादा टफ था। आप इसमें साफ देख सकते हैं जो 2 पॉइंट्स सचिन को मिले थे वो भी फाउल से मिले थे। करज ने जब इनको होल्ड किया तो इनको हिलने भी नहीं दिया है, लेकिन सचिन ने काफ़ी अच्छा टक्कर दिया था, लेकिन फिर भी करज का लेवल अलग था और उन्होंने काफ़ी ईजिली सचिन को हरा दिया था। इस सब के अलावा 2021 में भी प्रो पंजा लीग में एक काफ़ी ज़्यादा इनका फेमस मैच हुआ था। इस मैच में सचिन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनको हराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और फिर 2022 के अंदर भी शेरू क्लासिक में एक गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। तो इनके अचीवमेंट्स और इनकी एज देख के लगता है कि ये तो सिर्फ स्टार्ट है, क्योंकि ये हर मैच में कोई ना कोई गोल्ड और कोई ना कोई अच्छी पोजीशन लेके ही आते हैं इंडिया के लिए।
इसके अलावा सचिन गोयल का एक काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आम रेसलिंग को पॉपुलर करने में। लगभग 5 साल से ये यूट्यूब पर एक आम रेसलिंग चैनल बनाए हुए हैं और उस पर ये काफी ज्यादा अपनी ट्रेनिंग वीडियो शेयर करते हैं और लोगों के साथ आम रेसलिंग के काफी ज्यादा टिप्स भी शेयर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और ये काफी ज्यादा ही पॉपुलर है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल के भी यूट्यूबर से ज्यादा आम रेसलिंग वाले फील्ड में इनके लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर, जिसका एक काफी बड़ा क्रेडिट जाता है उस ईरान वाले मैच को, जिसके चलते इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल अलग लेवल पर जा चुकी थी। और अगर आप इनकी ट्रेनिंग वीडियोस कुछ देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और ये खुद भी बताते हैं कि इनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड और इंटेंस रहती है। 3 घंटे की इनकी ट्रेनिंग रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक लेते हैं, कभी कभी ये 5 से 10 मिनट तक का ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ये हैवी लिफ्ट करते हैं। और इस ट्रेनिंग के मेथड को अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पावर लिफ्टर की तरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली मूव कर रहे हैं अपने इस आर्म रेसलिंग की जर्नी में। और ये कहते हैं इनकी इंस्पिरेशन है डेवॉन लैरेट और ये एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं हमारे चहीते और सबके नौजवान 19 साल के आर्यन खंडारी के साथ भी, और वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे थे आर्यन खंडारी इनको, जैसे लग रहा था कि दोनों हाथ से अगर ये कोशिश करते तो ज़रूर हरा लेते इनको। अपने इस हार्ड ट्रेनिंग के चलते इनका स्ट्रेंथ भी अलग लेवल पर पहुंच चुका है, खासकर आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक मूवमेंट्स में भी। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 2 साल पहले 100 kg बारबेल कर्ल भी लगा चुके हैं, जो एक काफ़ी एलीट नंबर है, जिसके चलते इनको बाइसेप किंग कहना ये बिल्कुल सही है, खासकर इंडिया में। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लिफ्ट इनके देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वन हैंड प्रीचर कर्ल में भी ये 50 kg काफ़ी ईजिली लगा सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी सचिन गोयल के ऊपर, क्योंकि सचिन गोयल और कोई भी आर्म रेसलर अभी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं, तो इस वजह से इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में नहीं आई। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके वो हम कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन एक बात तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, जिस तरह से ये आगे अपनी ट्रेनिंग के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है आर्म रेसलिंग में। और ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये सारे इंडियंस बिल्कुल इस तरह की होप कर रहे हैं और ये इस चीज़ में सक्सेसफुल हो भी जाएंगे, इस बात की तो बिल्कुल श्योरिटी लग रही है। और इनका एक अपकमिंग मैच होने वाला है ग्वालियर में और ये रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने वाले हैं अपनी रैंक को बूस्ट करने के लिए, तो वहाँ भी आप इनको देख सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और भी इनके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे अगर कुछ और भी रिसर्च और ये इनकी और भी कुछ कॉम्पिटिशन हो जाए तो उसके बाद। तब तक के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी आर्म रेसलर्स को भी देख सकते हैं।